दोस्तों होंडा की बाइक है, डिजिटल मीटर है इसका, नॉर्मल मीटर नहीं है इसका। जो मीटर होता है रीडिंग और स्पीड काटा नहीं चल रहा है, ये देखिए, ये आगे का बिल घुमाऊंगा तो चलता नहीं, जैसे जो होता है रीडिंग जैसे गिनती स्पीड काटा नहीं चलता है। अगर आपको जब हम लोग मीटर अच्छा है खराब है तो आपको कैसे इसको पता लगाना है, और जो किलोमीटर केबल है आपको उसको कैसे जानकारी चाहिए आपको कि हमारा जो है केबल खराब है, तो इसलिए पहले तो आपको क्या चेक करना है, मीटर। मीटर को आप बंद कर दिए, बंद करने के बाद जब चालू करोगे ना तो इधर जो है ये देखो गिनती ऑटोमेटिक नीचे आना चाहिए जीरो पे। ये जीरो पे अगर आ गया हुआ समझ लो ये जो मीटर है आपका परफेक्ट है। अगर आपने बंद किए वापस चालू किया अगर डायरेक्ट जीरो पे है तो समझ लेना मीटर के अंदर प्रॉब्लम है, और गिनती से डायरेक्ट जीरो पे आ रहा है समझ लेना आपका मीटर सही है। ये देख लीजिए, अभी देखो डायरेक्ट जीरो पे आ जाएगा, समझ लेना चाहिए आपका मीटर परफेक्ट है। अब इसका जो किलोमीटर केबल और ओरम दोनों साथ में मिलता है इसका, इसलिए पूरा चेंज करना पड़ता है। अभी तो आपको मैं इधर दिखा दिया हूँ, अभी इसको आपको चेक कैसे करेगा किलोमीटर हमारा जो केबल है जो वायर है कैसे वो खराब हो गया हुआ है कि वायर टूटा हुआ है, इसका चेक करके आप कर सकते हो। पहले तो जो हेडलाइट होता है ये आगे का हेडलाइट, हेडलाइट ओपन करने के बाद यहाँ लगा हुआ है ये गाड़ी में तीन देखो वायर लगा हुआ है, एक वाइट है, एक रेड है, एक ब्लैक है, एक सफ़ेद है, एक लाल है, एक काला है, ये तीन वायर इसमें लगा हुआ है। अभी तीनों वायर में आपको चेक कैसे करना है कि मीटर हमारा चल रहा है गिनती। अभी देखो ये जो ब्लैक है और रेड है, रेड में भी लगा के इसमें चेक करना चाहिए खाली, इसमें आप उसमें खाली टच करोगे तो आपका गिनती यहाँ चालू हो जाएगा, और जो रेड वाइट में भी करोगे तभी भी आपका मीटर चालू होना चाहिए। अभी मैं इसमें आपको लगा दे रहा हूँ, देखो वाइट में, अभी इधर ये रेड में मैं छुआऊंगा। अब पहले आपको मीटर दिखा दे रहा हूँ मैं, ये दे लीजिए मीटर, अभी देखो करूँगा इसमें मीटर चालू हो जाएगा। देखिए ये मीटर अभी चालू हो रहा है, अभी मैंने रेड में लगा रहा हूँ, देख लीजिए ये रेड में लग रहा है ये मीटर, देखो ये चालू हो रहा है। तो इसी तरीके आप इसमें चेक कर सकते हो कि हमारा किलोमीटर जो केबल होता है वो ख़राब हो गया हुआ है। ये डिजिटल मीटर है, इसे आप चेक कर सकते हो। अभी देखिए ये वायर में और ये वायर में वाइट रेड रेड और ब्लैक, इसमें आप टेस्ट करना चाहिए, इसमें लगा के नहीं रखना चाहिए, लगा के रखोगे तो आपका मीटर भी उड़ जाएगा। इसमें खाली आपको इसमें टेस्ट करना है और निकालना है, टेस्ट करना है निकालना है। इस तरीके आप कोई भी गाड़ी का डीजल मीटर चेक कर सकते हो। और दूसरी बात इसमें क्या होता है, कभी कभी क्या होता है वायर ना ब्रेक हो जाता है, यहाँ से किधर से भी ना ब्रेक हो जाता है वायर, कभी भी प्रॉब्लम देता है। अभी वायर कहीं से ब्रेक नहीं हुआ है, देख लीजिए वायर ना यहाँ यह जो किलोमीटर है ये देखिए इसमें वायर सिंगल नहीं आता, पूरा केबल जो है कम्प्लीट आता है ओरम के साथ में। अभी कभी क्या करना चाहिए, खोल के इसको सफ़ा कर दो, सफ़ा करके लगाने के बाद कभी कभी चालू हो जाता है, कभी कभी चालू नहीं होता है, तो इसको ऐसे करके देखना चाहिए। अगर नहीं चालू हुआ तो आपको एक किलोमीटर केबल और ओरम के साथ में कुछ चेंज करना पड़ेगा। एक डिजिटल मीटर का चेक करने का तरीका, अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। जो बेहतर अगर घंटी दबाओगे तो नेक्स्ट वीडियो आपके पास हमारा वीडियो आप इजी से पहुंच जाएंगे। ये गाड़ी का नाम है होंडा सिटी टिगर, और इसका जो किलोमीटर आपको बताया था मैंने, अभी किलोमीटर जो ओरम होता है आपको दिखा दे रहा हूँ मैं, किलोमीटर ओरम इधर आता है इसका, ये देखिए। अभी मैंने इसको किलोमीटर केबल वायर के साथ में आता है डिजिटल मीटर में, तो अभी मैंने चेंज कर दिया हूँ। अभी आपको किलोमीटर जो होता है आगे का आपको दिखा दे रहा हूँ। अभी ये देखिए बंद है, अभी जो बिल घूमेगा आगे का तो चालू होता है, देख
इसी तरीका इसका मीटर काम कर रहा है। अभी आपको जो किलोमीटर मैंने केबल दिखाया अभी बांधे है, मेरे पास कॉल आता है, कमेंट करते हैं, बोलते सर इसका प्राइस क्या है। इसका प्राइस है 1500 रुपया, इसका 1500 रुपीज प्राइस है नया का। अगर मार्केट में जाएंगे आपको ओरिजिनल इसका प्राइस इतना है, 1500 रुपीज का आता है, तो आपको लेके चेंज करना पड़ेगा अगर आपका किलोमीटर ओरम खराब है तो। ये पूरा असेंबली साथ में मिलता है, सिंगल सिंगल नहीं मिलता, उसका अंदर भी सामान भी नहीं मिलता है, पूरा आपको किटी लेना पड़ेगा। किटी लेने के बाद फिर आप उसमें डाल सकते हो, फिर आपका किलोमीटर अगर जैसे ओरम का प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा, जैसे अभी ये मीटर के अंदर आपको मैंने बताया सॉल्व हो गया हुआ है।